नमस्ते मालिक। नमस्ते यार, गाड़ी साफ कर दी तूने? हाँ जी मालिक, बस हो गई। यार ढंग से साफ कर दिया कर। जी मालिक। हाँ भाई छोटी, कैसे बताए, तूने रोटी वोटी खा ली? हाँ खा ली भाई, दीपावली आने वाली है, बम्मा पटाखे मिठाइयाँ कपड़े चाहिए। अरे छोटे, तू तो एक सांस में ऐसे बोले जा रहा है। हाँ हाँ मुझे पता है, तेरे पटाखे और तेरे कपड़े मिठाइयाँ दिए सब कुछ लाऊंगा ना, जब मालिक मुझे बोनस देंगे तब मैं सारे लिए तेरे लिए सारे कपड़े सब कुछ लेके आऊँगा, ठीक है? क्या बात है भाई, आज तो तूने समय से पहले गाड़ी चौंका दी। हाँ मालिक। हाँ कुछ काम होगा? जी मालिक। मालिक आपको तो पता ही है कि दिवाली आने वाली है, और आपको तो पता ही है कि घर के खर्चे कितने होते हैं। तो मालिक मैं ये कह रहा था कि मुझे कुछ बोनस मिल जाता तो मैं अपने छोटे भाई के लिए कपड़े, कुछ बम पटाखे और मिठाइयाँ ले जाता। क्या बोनस? तू यहाँ पे कोई मैनेजर की नौकरी नहीं करता, तुझे बोनस दूँ? तू अपनी औकात में रह और तू अपने काम से काम रख। पिछली एक तारीख को तो तुझे पैसे दिए थे मैंने, इतनी जल्दी खर्च कर दिए तूने? तेरे पास कोई पैसों का खजाना नहीं है जो तुझे बोनस पे बोनस देता चलूं। चल अपना काम कर। आगे भाई चले। अरे छोटे, वो क्या है ना कि आज मालिक नहीं आ पाए, तो कल मालिक आ जाएंगे ना और मुझे वहाँ से पैसे मिल जाएंगे, तो मैं तेरे लिए तेरे कपड़े, तेरी मिठाइयाँ, तेरे बम पटाखे सब कुछ एक साथ लेकर आऊँगा, ठीक है? हम दोनों खूब मजे करेंगे, कल भी तो दुकानें खुलती हैं ना, तो चलेंगे, ठीक है? क्या करूँ, मालिक ने आज भी पैसे नहीं दिए। अब मैं अपने छोटे भाई के लिए कपड़े, बम पटाखे और मिठाइयाँ कैसे ले जाऊंगा? अब वो बहुत ज्यादा उदास हो जाएगा। क्या बात है यार, आज तो तूने गाड़ी समय से पहले साफ कर दी। कुछ भी हो, तू है कमाल का बंदा, तूने समय से पहले ही गाड़ी साफ कर देता है। अरे सुन, तीन गाड़ी और हैं, उनको भी जल्दी साफ कर देना, कहीं दीपावली की वजह से घर जल्दी चला जाए। अरे अरे, ये तो मालिक का बटुआ है। इस पैसे से तो मैं अपने छोटे भाई के लिए कपड़े, बम पटाखे, मिठाइयाँ सब कुछ ले जा सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, गलत काम नहीं करना। इस दिवाली ना बगैर मिठाई, बगैर बम पटाखे और बगैर कपड़ों के मना लेंगे। क्यों, तू अभी घर नहीं गया? शाम के 4 बजने वाले हैं। अरे मालिक, मैं घर जा रहा था, लेकिन देखा कि जब मैं गाड़ी साफ कर रहा था तो आपका पर्स गिर गया था, तो मैं आपके पर्स के लिए अब तक रुका हुआ था। ये लो अपना पर्स। ठीक है मालिक, मैं घर चलता हूँ। हाँ भाई, आज ही मालिक नहीं आए और आज ही पैसे नहीं मिले। माफ़ करना यार, मैं तुझे ना इस दिवाली पर तेरे कपड़े, तेरी मिठाइयाँ, तेरे पटाखे कुछ भी नहीं दिला पाऊँगा यार। देखो भाई कौन आया है। नमस्ते मालिक। मालिक आज आप इस गरीब की झोपड़ी में कैसे? मालिक कोई गलती होगी क्या आपसे? यार दोस्त, आप मुझे मालिक नहीं, आप मुझे भाई भी बोल सकते हो। उस दिन ना आपको मुझे पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मेरे पर्स से सारे पैसे निकाल सकते थे और सारा कुछ सामान ला सकते थे, पर लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। यार दोस्त, ये आपका बोनस
ये आपकी मिठाई और कपड़े और इस छोटे के लिए कुछ गिफ्ट्स हैं इसमें। मालिक, हमें हमेशा ईमानदारी दिखाना अच्छा लगता है, और एक बार आपके पर्स को देखकर ना मेरे मन में भी ख्याल आया था कि मैं अपने छोटे भाई के लिए उन पैसों से कपड़े, बम, फटाके और मिठाइयाँ ले जाऊँ, लेकिन क्या है ना मालिक, इंसानियत ने मुझे ये करने नहीं दिया। तूने तो यार मेरा दिल ही जीत लिया। भाई जो कुछ भी मुझसे गलती होगी मुझे माफ करना। ऐसा मत बोलो मालिक, आप तो हमारे मालिक हैं। चलो भाई आए मिठाई खाएंगे।